की मम्मी से बोला मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना चाहिए। बोलती है दो दिन से वो दरवाजे पे कचरा पड़ के भर के पड़ा हुआ है, पहले उसको फेंक के आओ उसके बाद खाना मिलेगा। क्या करें भाई, इधर आओ। ये है कचरा, मैं इधर ही फेंक के जा रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई बोले तो निपट लेना, और अगर मार झगड़ा हो तो मार भी कर लेना, ठीक है? फेंक दो। सुन 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 सुन, क्या हुआ? पहले इधर आ। क्या हुआ? पहले इधर आ, अंधा है क्या? यहाँ कूड़ा डाल के जा रहा, मैं साफ सफाई कर रही हूँ। अरे मुझे भूख लगी है, बाद में बात कर लेना। भूख भूख बाद में लगे, और मेरा छोटा सा बच्चा है। पहले इधर आ, पहले मेरी बात सुन। पहले इधर आ। क्या दिखता नहीं, अंधा है क्या? क्या अंधा है क्या? यहाँ कूड़ा डाल के जा रहा, मैं यहाँ साफ सफाई कर रही हूँ। कूड़ा डाल दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? कूड़ा डाल दिया तो क्या हुआ? जबरदस्ती है कोई कूड़ा डाल दिया तो क्या हुआ? सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन। अरे सरकारी नल हो तो क्या हुआ? सरकारी नल है, वहाँ तुम कूड़ा डाला, वो फर्स्ट टूटा है, उस गड्ढे में तो कूड़ा डाल रहा है, सड़ेगा गलेगा, जल स्रोत में जाके मिलेगा, और उस पानी, वो पानी जो है दूषित हो जाएगा, बीमार नहीं हो जाएंगे। उस पीजीआई हॉस्पिटल से रिटायर होके डॉक्टर आई नहीं? हाँ तो बहुत जानकारियाँ दे, नहीं तो क्या? चाहे बीमार पड़े चाहे उखल पड़ो, नहीं काम कर रहा था, बड़ी समझदारी बात है। पानी पीने क्यों आते हो यहाँ पे? अरे वो तो भर के ले जाना पड़ता है। तुम बीमार नहीं हो सकते क्या? तुम बीमार पड़ो, तुम्हारी मम्मी बीमार पड़े, तुम्हारी दादी बीमार पड़े, तुम्हारी दीदी बीमार पड़े। ज्यादा चपर चपर मत करो, तुम क्या कर लोगे के बारे में ज्यादा कुछ मत बोलो। तुम्हारे बोलो बेटा, वो भी बीमार पड़ सकता है, ठीक है? समझ लो, बहुत बोल रही है। हां क्यों ना बोलूं मैं, हाथ लगाऊंगा तो मरती मार के देखो, तुम्हारी इतनी औकात मुझे मारे एक साथ छोड़ के तो देखो। हां नहीं तुम तुम क्या कर लोगी बताओ? क्या कर लूंगी? बुलाओ किसी को, बुलाओ किसी को, बुलाओ किसको, बुलाओ ढकेलुआ के पप्पा को। हाँ ढकेलुआ के पप्पा, तीन भूख छेंज के है भैया, कहीं के पड़े होंगे। और तुम्हारी मोटी भैंस कहीं पड़ी होगी? अरे लोग पत्नी के बारे में ज्यादा उठे मत करीब ना, दूर से बात कर लेना, ठीक है? वो भैंस कहीं पड़ी होगी, इतनी मोटी है कि बैठ जाती तो उठ ना पाती है, हमेशा बोलती कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सर दर्द कर रहा है, काम ना करना पड़ा है। पीते घर की है, समझ गई? पड़ गई ना इसे, पार्टी पसली टूट जाएगी, जाएगी उठ ना पाएगी कभी। तेरी हड्डी गोटी तोड़ डालूंगी, तेरी हड्डी गोटी तोड़ दूंगी मैं। अच्छा उठाएगा घोड़ा की नहीं उठाएगा? नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाऊंगा, सच में नहीं उठाएगा।
नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाएगा? नहीं उठाऊंगा। बड़े अकड़ में है। हाँ, किसको बुलाऊं? मैं भी अकड़ी हूँ। हाँ बुलाओ। बहुत अकड़ी हूँ मैं। किसको बुलाऊं? ठीक है, जो करना कर लो। सच में नहीं उठाएगा? नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाएगा? नहीं उठाऊंगा। नहीं झाड़ू से बात नहीं, मुझसे बात करो। बता दे रहा हूँ, झाड़ू से बात करो। बता दे, गंदगी यहाँ क्यों फैलाई है? गंदगी? हाँ, मैं अकेले है, तुम्हारा नल है क्या? पूरा गांव वाले वोट दिए हैं, प्रधान जी लगवाए थे। ये मैं तो सोची तेरी भैंसिया दिया वोट दिए तभी जाके जीते हैं। भैंसिया मत कर, मैं भी दिया हूँ। मेरे पापा दिए, मेरी मम्मी दिए, सब लोग वोट दिए तब प्रधान जी जीते थे। जीते पड़ा तू गंदगी सरकारी जमीन। हाँ तो क्या हुआ तुझे? प्रधान जी बोले जाके उसमें गंदगी फैला दे, उठा तक नहीं उठाऊंगा। मारो मत। क्यों ना मारू? मैं तो मैं अपने मुखिया काका को बुलाऊंगा। बुला जिसको बुलाना, मैं तो मारूंगी तुझे। सर उठा कर टंकी। अरे हम नहीं मारे हैं। अरे रो तो रही है। हमको मारी है। अच्छा एक बात बताओ, हम अपने लिए बुलाया है कि उसके तरफ हो गए? उसकी गलती होगी, उसी तरफ से तो बोलेंगे। दोनों तरफ लोगों की तरफ से हम आए हुए हैं ना। वो भी गांव के, तुम भी गांव के हो। इधर सुनिए मेरी बात पहले। हाँ, बताइए। यहाँ फर्श टूटा है और सरकारी नल है और मतलब कुछ गड्ढा टूटा, मतलब फर्श टूटा है, उसमें गड्ढे हो गए, उसमें लाके कूड़ा डाल रहा है। यहाँ कूड़ा क्यों डाल रहे हो? वो साफ सफाई कर रही थी। मैं बोल रही हूँ, मैं सोच रहा था उतना दूर कौन जाए। लाओ जरी निपटा देता हूँ। वो मेरी बड़ी दीदी बोली थी। अच्छा बोली मैं कूड़ा कचरा डालोगे तो सड़ेगा, गलेगा, स्रोत का जाएगा, देख देख बीमार पड़ेगा। हमारे घर के ही लोग बीमार पड़ेंगे, मलेरिया, टाइफाइड, तमाम बीमारियाँ आदि। ठीक है, पी लिया? अरे छोटा सा बच्चा है, पी लिया तो पी लिया। अरे पी लिया बीमारी का नाम है। अच्छा, पीने वाला चीज नहीं हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पास खेत है? हाँ है, खेत है। पूरा आलू लगा के रखा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। सुनो, जमींदारी होती है, जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ वही आप समझ गए। अपने खेत में गड्ढा बना लो।